और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। श्री बीरेंद्र सिंह सिरोही जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होने के साथ एक जिम्मेदार नेता थे। उनका दिवंगत होना पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ मिलकर के स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह सिरोही जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये हम सब की भावनाएं हैं। पिछले काफी दिनों से वे अस्वस्थ चल रहे थे, बल्कि आज दिल्ली जाने का मेरा कार्यक्रम था हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए, कि आज प्रातः ही मुझे जानकारी मिली कि सिरोही जी नहीं रहे। तो फिर मैंने उनके पुत्र से फोन से बातचीत की और अपने सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सरकार के हमारे कई मंत्री यहाँ पर आए हैं, कई माननीय सांसद विधायकगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को संबल दे, समाज और राष्ट्र के लिए जो उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रत्येक कार्यकर्ता और शोक संतप्त परिजनों को भी दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही के परिजनों से वो मिले, उन्हें हिम्मत बंधाई। आज दिल्ली में वीरेंद्र जो है उनका निधन हो गया। बुलंदशहर सदर से विधायक थे सिरोही, तो काफी समय से बीमार चल रहे थे और देखिए मुख्यमंत्री जो है पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं और उनकी हिम्मत बंधाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा वासियों को होली का तोहफा दिया है। दो दिन के नोएडा दौरे के दौरान दूसरे